मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट स्विंग, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ वर्क ओवरहेड टू प्रोडक्टिव वेजेस, परसेंटेज ऑफ जनरल ओवरहेड टू वर्क कॉस्ट। ये एक इन्होंने इस क्वेश्चन में बोल ही दिया गया है कि ऐसे ऐसे कैलकुलेट करो। अगर नहीं भी बोला होता है तो नॉर्मली हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड ऑफिस ओवरहेड को एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट ही कैलकुलेट करते हैं। आगे दिया है कि द कंपनी इज अबाउट टू सेंड अ टेंडर। ये एक दूसरा पार्ट है, इसको हम बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो एक कॉस्ट शीट बनेगी, आप समझ गए, और उस कॉस्ट शीट से हमारी ये कैलकुलेशंस होंगी। जल्दी से बना लेते हैं। कॉस्ट शीट कह सकते हैं या इसको हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कहें, कुछ भी कहें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले बोला है इन्होंने कि रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है। तो अगर हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, तो हम उसको लिख लेंगे 33,280 प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 759,200। इसकी एडिशन करेंगे तो ये 792,480 हो जाएगा। माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कितना था, 357,120। ये कहलाएगा आपका मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें अब हम ऐड करेंगे प्रोडक्टिव वेजेस, फाइव वन सिक्स एट एट जीरो, तो ये टोटल जो आएगा 1,274, ये कहलाएगी हमारी प्राइम कॉस्ट। ऐड करेंगे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स, दिए हैं हमें 129,220,1403,220, दिस इज फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड करेंगे हम ऑफिस ओवरहेड्स 70,161, तो ये हमारी आ जाएगी 1,473,381, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इसी को हम टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने हमसे पूछा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट निकाल दीजिए, वो हमने कर दिया। इन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछा होता तो फिर हम इसमें, ये देखिए टोटल कॉस्ट पूछी थी, अगर इन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछा होता तो हम इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट और कर देते। अगर इन्होंने प्रॉफिट पूछा होता तो वो भी हम कर देते, सेल्स दी हुई है, जो पूछा है उतना हमें बनाना है, इसलिए हमने इतनी बनाया। अब पहली कैलकुलेशन परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस, दैट इज 129,220 अपॉन 516,880, तो 25%। दूसरा हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड टू फैक्ट्री कॉस्ट, 70,161 अपॉन 1,403,220, दैट इज 5%। तो
ये आ गया हमारा वेजेज का 5%, 25% एंड फैक्ट्री कॉस्ट का 5%। ठीक है, अब आगे सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। ये पहला पार्ट हुआ हमारा, अब दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखो, द कंपनी इज अबाउट टू सेंड अ टेंडर, टेंडर का मतलब होता है कोटेशन, फॉर अ लार्ज प्लांट। द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट एस्टिमेट दैट द मटेरियल जो होगा वो 52,000 का लगेगा और वेजेज लगेंगे 31,200 की। द टेंडर इज टू बी मेड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द सेलिंग प्राइस। शो व्हाट अमाउंट द अमाउंट शो व्हाट द अमाउंट ऑफ टेंडर वुड बी इफ बेस्ड ऑन द अबव परसेंटेज। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ टेंडर प्राइस, देखिए हमें बताया गया है कि डायरेक्ट मटेरियल हमारा है 52,000 का और डायरेक्ट वेजेज जो है हमारी 31,200 की है, तो ऐड करने पे हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 83,200। अब हमारा फैक्ट्री कॉस्ट हम करेंगे 25% ऑफ वेजेस, तो 25% ऑफ वेजेस का मतलब है 31,200 का 25% 7,800। तो ये हमारी वर्क कॉस्ट दैट इज 91,000। ऐड करेंगे हम ऑफिस ओवरहेड 5% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट 4,550। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। ऐड करेंगे प्रॉफिट 20% ऑन सेल और 25% ऑन कॉस्ट। एक सेकेंड देखें, 20% ऑन सेल एंड 25% कॉस्ट, तो 95550 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये आएगा 23887.5। जो हमारी टेंडर प्राइस होगी वो होगी 119437.50। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे 0.50, तो ये हमारी टेंडर प्राइस है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन हमने एक और किया था, ये वही है। थैंक यू।